हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ पर जैतपुर विधानसभा सीट से तनुज पुनिया, और बड़ी नौकरी और बड़ी डिग्री छोड़कर ये यहाँ पर जैतपुर की धूल में घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए। और इनका मानना ये है कि इनको अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर ये टिकट मिला है और इनको जो पीएल पुनिया जी की विरासत है उसके रूप में नहीं मिला। ये सच है कि पारिवारिक विरासत मिली है, लेकिन इसमें ये भी सच है कि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ जैतपुर में। उसी प्यार के तहत मुझे यहाँ बुलाया गया है, उन्होंने कहा कि हमारे साथ रहिए, और फिर एक बेस भी हो जाता है इसमें कि लोग जानते हैं, पहचानते हैं, शुरू से उनके बीच में उठना बैठना है, सब चीज़ जानते हैं, यहाँ पर लोगों के घर पर जाना रहता है हमारा, तो इसके तहत काफ़ी जैतपुर के एरिया में काफी एक्सपीरियंस है बैठने का लोगों के साथ। लेकिन वो जो प्यार है वो उसी परिवार को क्यों मिले, किसी और को क्यों नहीं मिले? कोई और आए और अपने पुनिया साहब तो टिकट आपको दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो और किसी को कैसे मिलेगा कांग्रेस से टिकट? नहीं तो फिर वो तो लोगों के ऊपर है ना, जब लोग बात करेंगे, लोगों का प्यार है, जब वो पहुंचा ऊपर तक तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ही मिला जाए टिकट। तनु जी, इसमें सवाल आपकी काबिलियत आपकी क्षमता का नहीं है, आप चूंकि युवा हैं, ये लगातार बात हो रही है कि राजनीति का जो माहौल है हिंदुस्तान में वो बदलना चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं तो बिल्कुल बदलना चाहिए, इसलिए तो युवा लोग और आ रहे हैं अपनी अपनी जॉब छोड़ के। मैं भी अब केमिकल इंजीनियर था एक मल्टीनेशनल कंपनी में, अपनी जॉब छोड़ के अब आ रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो जिनको अब चेंज करना चाहिए, एंड जो राजनीति है उसको एज अ प्रोफेशन ट्रीट करना चाहिए, एज अ जो है सोशल सर्विस आप समझ लीजिए, लोगों के बीच में जो रह के जो उनकी सेवा करने का जो मन बनाना चाहिए यूथ को। आपको क्या लगता है ये संभावना है यहाँ पर, आप एक केमिकल इंजीनियर के रूप में जो पोस्ट आपने देखी है और वहां से जो हिंदुस्तान को देखा, और ये जैतपुर की धूल फांकते हुए जो हिंदुस्तान आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या अंतर लगता है? जमीन आसमान का अंतर है इसमें। हम लोग वहां पे बैठ के ये जो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। नलों में पानी आता है, एसी चलते हैं, बिजली चलती है, जनरेटर चलता है, लेकिन गाँव में इन सब चीज़ों की बहुत कमी है, रोड भी नहीं है, बिजली 6000 गाँव में नहीं थी, पुनिया साहब ने 3000 गाँव में बिजली मुहैया करवा दी है, तो बिजली की भी बहुत समस्या है यहाँ पे, तो बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर है। क्योंकि मैं पुनिया साहब के साथ कई बार क्षेत्र में आया हूँ, लोगों से मिला बैठा हूँ उनके बीच में, तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा था, इसलिए इस समस्याओं को चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए मैं इधर आया। निश्चित तौर पर 11 मार्च को पता लगेगा कि यहाँ से नतीजे किस तरीके के आएंगे। फिलहाल तो हम तनुज को उनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं, उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तरह से नई पीढ़ी राजनीति में आ रही है वो इस पूरे राजनीतिक विमर्श को बदलने की कोशिश करे, बजाय कि उसी तरह के राजनीति को और परिवारवाद को आगे बढ़ाने की।